बैरिस्टर गौर साहब का माइक खोलें। जनाब स्पीकर, आप उनका स्पीकर को उधर से बात करें। समटाइम द चेयर फोर्सेस आर नॉट टू सी यू एंड थैंक यू टू यू। यू गॉट टू रियलाइज यू बिलोंग टू द हाउस। प्लीज, यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस। वी कीप सेइंग दिस, वी वांट टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड यू, बट यू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड यूर पार्टी। You seemingly, you are the chair, is seemingly under pressure. Yeah, yeah. Please, this is way too much. Too much. This is too much. This is way too much. Please. Nay, this is not. We are chair. No crosstalk. Address the chair. Janabi Speaker. Mind your language. Janabi Speaker. You are talking to a chair. Ye third time hai. ये थर्ड टाइम है जनाब स्पीकर। नहीं, ऐसा नहीं। एक मिनट बैरिस्टर गौर साहब। जनाब स्पीकर, नहीं, बैरिस्टर गौर साहब, जनाब स्पीकर, आपने कल, जनाब स्पीकर, कल आपने बड़े अच्छे अल्फाज कहे थे। कल आपने ये कहा था कि मैं अपने सारे मेंबरान को दर्श देता हूं कि कोई ऐसा लफ्ज ना कहें जो एक्सपंज किया जाए, और आज जो बदतमीजी का तूफान हुआ उसके गाली गलोच तक गए। कल भी ये ऐसा वाकया हुआ, आज भी हो रहा है। बैरिस्टर गौर साहब का माइक खोलें। अभी राय थे, आप बोलें प्लीज। जनाब स्पीकर, आप एक मिनट में, जनाब स्पीकर, नो अल्फाज, मैं उस पर आता हूँ, उस पर हम आते हैं। बड़े पारसा बनते आप। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर इस बात पे था सुबह, जिसकी वजह से हमने वॉकआउट किया, उससे तवज्जो ना हटे। वो कौम का एक मुश्तरका मसला है, वो सिर्फ पख्तूनों का मसला नहीं है, वो इस मुल्क का मसला है, सॉवरेंटी का मसला है, इस ईवान की बालादस्ती का मसला है। और वो ये है, हम पॉइंट आउट यही करना चाह रहे थे जनाब स्पीकर, कि एक ऑर्डर हुआ है, एपेक्स कमेटी ने फैसला किया है, और एपेक्स कमेटी कर रही है कि हम इस्तेहकाम में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं मिलिट्री, उसके हम खिलाफ हमने यही उठाज उठाया है कि कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो इंटेलिजेंस स्पेसिफिक हो, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, इससे पहले इस ईवान ने उसके पैरामीटर्स तय किए हैं। वो पैरामीटर्स आइन में तरमीम के ज़रिए से हुए थे, वो तरामीम एक्ट के ज़रिए से हुए थे, जिसकी वजह से सीसीआई ने कर दिया था कि किस सूबे को कितना फंड मिलेगा, टेररिज्म का क्या रोल होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आई और पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ गई वो मिलिट्री ट्रायल्स को देखने के लिए। उसी वक्त पैरामीटर्स तय हो गए थे कि मिलिट्री ऑपरेशन के लिए क्या पैरामीटर्स रखे जाएंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर यह था जनाब स्पीकर, कि इतना बड़ा फैसला करने जा रही है वफाकी हुकूमत, पहले से कि आप फैसला कर लें, आप इस ईमान को, उस इशू को ले आए। दो मरतबा पहले अस्करी की आदत सेनेट आ चुकी है, सेनेट में होल सेनेट को ब्रीफ कर चुकी है, इस ईवान में भी अस्करी की आदत आ चुकी है, इस ईवान में उन्होंने भी इन कैमरा ब्रीफिंग दी है। ये ईवान जैसा भी है, जैसे भी लोग बैठे हों, स्ट्रेंजर ही सही, बट ईवान है। कोई भी एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईवान को सुपरसीड नहीं कर सकती, ये सुप्रीम है। हम चाहते हैं बावजूद स्ट्रांग रिजर्वेशंस के, कि स्ट्रेंजर्स बैठे हैं, इन रिजर्वेशंस के बावजूद हम चाहते हैं कि ईमान की बालादस्ती कायम हो, और जो फैसला हो वो ईमान के कंसेंसस और मशवरे के साथ हो। इसलिए हम मुतालबा करते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रखा है कि वफाकी हुकूमत जो रोज आती है, जिसने किसी भी पॉइंट पे भी इस पार्लियामान को इतमाद में नहीं लिया, चाहे वो बिरूनी ममालिक के सरबराहान का विजिट हो, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो ईरान हो, कोई भी, इस मरतबा हम चाहे मुतालबा कर रहे हैं कि वही कियादत दोबारा आके इस पार्लियामान को इन क्रेमरा ब्रीफिंग दे, और उसके बाद में कार्रवाई हो, और जो कार्रवाई हो वो सीवान के मशवरे के साथ हो। उसके बाद अब आते हैं जनाब स्पीकर इस रिजोल्यूशन पे। ये रिजोल्यूशन हमें दिखाया गया, साथ बैठा हुआ है, मैंने उनको ये कहा मैं एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाह रहा हूँ। जनाबी स्पीकर, कुछ ऐसे वेबसाइट है जिसमें तौहीनी रिसालत हो रही है रोज़ाना, कुछ ऐसे वेबसाइट है, मैंने इनको कहा कि मैं इवन मुनासिब भी नहीं समझता कि मैं उस वेबसाइट की नाम ले लूँ, क्योंकि अगर मैं उसकी नाम ले लूँ तो उसके साथ दोबारा उसकी लोग लॉग इन करेंगे। तो मैंने इनको कहा
कि ये एक मसला है। मैं उनको चाहता हूं कि आप उनकी कार्रवाई कर लें। जो लोग तौहीनी रिसालत के मुल्ज़िम ठहराए जाते हैं, जिन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, बराए मेहरबानी ये सुबों के बजाय अपने हाथ में ले ले, क्योंकि सुबह अगर FIR दर्ज भी कर ले तो वो फिर भी डिपेंडेंट होता है FIA पे, वफाकी हुकूमत पे। ये मसला वफाक का है, ताकि इस तरीके से मेकेनिज़म निकाले। दूसरा, मैंने इनको ये कहा कि ये पर्सन स्पेसिफिक क्यों करते हो? आप कहते हैं किसी अवाम का लोगों की लिंचिंग ना करे। मैंने कहा इसमें ऐड करो कि कोई इदारा भी हमारा रोजाना लिंचिंग ना करे। मैंने कहा एक बंदे की लिंचिंग पे असेंबली रिजोल्यूशन पास कर रही है, हमारी भी तो रोजाना लिंचिंग हो रही है। इसीलिए मैंने इनको कहा इसको रोक ले, इसको रोक ले, पूरा युवान आने दे। यही उन्होंने कमिट किया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जनाब स्पीकर, हम यही कोशिश कर रहे हैं, युवान चले। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात हो तो अवामी तहफ्फुज़ की बात हो, अवामी मुफाद की बात हो। लेकिन मैंने इनको कहा और यही उन्होंने वादा किया कि ईवान के आखिर में उठाएंगे। और मैंने कहा हमारी सारी पार्टी आ जाएगी, हम डिस्कस कर लेंगे। पहले भी अगर कोई नेशनल मसला है, क्यों CPAC पाकिस्तान का मसला था, हम बैठे नहीं, CPAC में हमारा बंदा गया नहीं। हम तो फ्लोर पर कह चुके थे कि अगर पाकिस्तान दोस्त ममालिक के लोग आ गए तो हम जाएंगे। हम पाकिस्तान दोस्त है, दुश्मन नहीं। लेकिन ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, हम उनको कर रहे थे, ये पर्सन स्पेसिफिक कर रहे थे, जिसका हमने कहा था हम उसको अपोज कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर अभी भी यही है। इस पे आपने जरूर इनकी तवज्जो दिलानी है, हम जवाब के उनके मुंतजर है ये मिलिट्री ऑपरेशन पे। जनाब स्पीकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एक लीडर और ऑपोजिशन बोल रहे, फिर एक साथ आप रिस्पॉन्ड कर दें। ये हमने कहा सारे डाल दें। आपको मैंने पूछा कि आप बोलें, आपने इधर इस तरह तो जी, आप क्या रूल बताना चाह रहे हैं? इजहार साहब का माइक खोलें, वो रूल पे पॉइंट आउट करें, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जी बताइए। रूल्स ऑफ प्रोसीजर सर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल 188। आपको दे रहा हूं मैं, आप जिद ना करें, मैं आपको दे रहा हूं माइक, आप दो मिनट तकलीफ रखे, आपको दे रहा हूं। वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि रूल की वायलेशन हो रही है, हाउस की वायलेशन, वी हैव टू हियर हिम, आर वी फॉलोइंग द रूल्स और नॉट, लेट हिम स्पीक प्लीज। जी आप बोलिए सर। रूल 188 ये कहता है, जनरल डिस्कशन ऑन द बजट ऑन द डेज अलॉटेड फॉर द जनरल डिस्कशन ऑन द बजट द असेंबली मे डिस्कस द बजट एज ए होल और एनी क्वेश्चन ऑफ द प्रिंसिपल इन्वॉल्व देयर इन, बट नो मोशन shall be moved at this stage, nor shall the budget be submitted to vote of the assembly. Sir, shall लगा है यहाँ। और दूसरी अहम तरीन बात, स्पीकर साहब, दूसरी अहम तरीन बात, अगर आपने रूल सस्पेंड करके मिनिस्टर इन चार्ज को मोशन मूव करने की इजाजत दी है तो उस मोशन पे भी कोई डिबेट नहीं हो सकती, कोई नहीं खड़ा होकर उसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार कर सकता, अगर आपने रूल सस्पेंड करके इजाजत दी है। और मेरी यह समझ में नहीं आता कि यहां कितने लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये कितने लीडर ऑफ ऑपोजिशन है,